लैपटॉप मेरा फिर पूरा ना फाइल्स हैवी हो जाती है, बेच कर डिलीट कर देता हूँ जनरली। नोट कर लिया आपने प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला? अच्छा बस एक मिनट, चलिए अब आप यूनियन समझो, यूनियन वेन डायग्राम में किसको रिप्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम ध्यान से समझना, क्योंकि अगर वेन डायग्राम आप नहीं समझोगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। एक बार वेन डायग्राम फिर से एक बार समझ लेते हैं। जैसे ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट, सारे सेट इसके अंदर होते हैं। मान लेते हैं दो सेट है ए और बी, आपने कार्डिनल नंबर ए लिया, इसका मतलब आपने कौन सा सर्कल कवर कर लिया, ये पूरा सर्कल कवर कर लिया, ठीक है। फिर आपने कार्डिनल नंबर बी लिया तो मतलब आपने बी का सर्कल फिर से कवर कर लिया। अब एक पोर्शन ऐसा है जो आपने दो बार कवर किया, कौन सा पोर्शन? बीच में कॉमन वाला, ये वाला पोर्शन दो बार ऐड हो गया, इसीलिए आपने इसको क्या किया, माइनस कर दिया। तो अब इन तीनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके मालूम कौन सा एरिया ले रहे हैं हम ये वाला एरिया ले रहे हैं, हम ये वाला एरिया ले रहे हैं, और हम प्लस बीच वाला एरिया ले रहे हैं, इसी को हम कहते हैं ये यूनियन होता है, करेक्ट। तो इसमें प्रोबेबिलिटी का यूज कैसे करोगे? अगर मैं आपसे कहूंगा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, ए की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, बी की निकालोगे, और उसमें से माइनस करोगे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। पहला फॉर्मूला यूनियन को ध्यान रखना लैंग्वेज में, और या ईदर और से भी कर सकते हैं डिनोट। जब भी ईदर और या और लिखा हुआ आएगा, समझ जाना आपको यूनियन निकालने को दिया जा रहा है, और ये जो इंटरसेक्शन होता है ये एंड होता है। जैसे यहां पे लिखा आएगा एग्जाम में बोथ ए एंड बी, तो आप समझ जाओगे बोथ ए एंड बी का मतलब ये इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब भी इधर आएगा और लिखा हुआ, इधर और समझ जाओ यूनियन है, खाली और लिखा हुआ एक ही बात है यूनियन है, एंड लिखा हुआ आएगा समझ जाना इंटरसेक्शन है। जैसे बोथ ए एंड बी अकर हुए तो आपसे इंटरसेक्शन पूछ रहे हैं इसका मतलब। सेकेंड, एक वेन डायग्राम फिर से बनाएंगे, ए बी। अब मान लो मैं सिर्फ इतना पोर्शन शेड करता हूं, सिर्फ इतना, बताओ इसे क्या बोलते हैं, सिर्फ इतना जो ए में आ रहा है, बी का हिस्सा नहीं लिया, ए माइनस बी, इसको दूसरी लैंग्वेज में ये भी कहते हैं ओनली ए, सिर्फ ए लिया है बी नहीं लिया है, तो इसको रीड किया जाता है बहुत सारी लैंग्वेज रीड करने के लिए। इसको आप रीड कर सकते हो ओनली ए, इसको आप रीड कर सकते हो ए बट नॉट बी। अगर मैं बोलूंगा ए बट नॉट बी यानी ये वाला एरिया, मैं बोलूंगा ओनली ए तो भी यही वाला एरिया, और इस एरिया को निकालने के लिए मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना है, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से। प्रोबेबिलिटी ए का वो हिस्सा जो बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ कॉमन है। देखो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी का सर्कल छोड़ दो, छोड़ दिया सारा शेड कर दो, ये सब शेड कर दो, ये क्या हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, बी का सर्कल छोड़ के सारा शेड कर दो। अब सारे के साथ ए का कॉमन पोर्शन शेड करो, यही तो शेड होगा, तो इसको क्या बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका फॉर्मूला देखो हम खुद बनाएंगे। अगर मैं ये पूरा सर्कल ले लूं तो बताओ किसकी प्रॉबर्टी ले ली मैंने, ए की ले ली, क्या मुझे पूरी चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो क्या माइनस करोगे इसमें से, भाई ये फालतू ले लिया ना आपने ये वाला पोर्शन, ये जो कॉमन है, तो आप इसको माइनस कर दो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ये लो बन गया इसका फॉर्मूला। अगर प्रॉबर्टी इसकी निकालनी है तो आपने क्या किया, ए का सर्कल लेकर उसमें से इंटरसेक्शन निकाल दिया, बन गया फॉर्मूला। एक और बनाओ, चलो अगर मैं यूनियन ले लूं, चलो बताओ मैंने क्या क्या ले लिया यूनियन में, मैंने कौन कौन सा एरिया ले लिया, ये तो ले ही लिया, साथ में ये भी ले लिया और ये भी ले लिया, अब बताओ मुझे तो खाली ये चाहिए, अब मैं क्या माइनस करूं, पूरा बी, पूरा बी माइनस कर दो, ये देखो एक और फॉर्मूला बन गया। अब ऐसे मैं आपको रटवाऊंगा तो कितने रटोगे ऐसे, इसने आपको वेन डायग्राम से बनाने सीखने हैं फॉर्म पे। जब आपको बोला जाएगा ए बट नॉट बी तो आप समझ जाओगे अच्छा ये वाला पूछ रहे हैं, तो इसको निकालने के लिए आपने क्या किया, या तो ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर दिया,
या फिर पूरा कवर कर लिया यूनियन और यूनियन में से बी को निकाल दिया फिर आपने, तो ये रह गया फिर इतना हिस्सा। दोनों इसी के हैं। एनसीईआरटी में आपको ये वाला नहीं मिलेगा, सेकंड वाला नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी सिर्फ पहला वाला कवर करती है। मैंने आपको ये भी बता दिया, यूज कर सकते हो एग्जाम में भी यूज कर सकते हो। अब आप मेरे को इसका फॉर्मूला बना के दिखाएंगे, ठीक है? थर्ड हो गया, या खुद बनाना। ये आपका सेट ए, ये सेट बी, आपको ये वाला निकालना है। अच्छा, इसको रीड करके बताओ क्या रीड करोगे? ओनली बी। दूसरी भाषा में रीड करके बताओ, बी बट नॉट ए। बनाओ इसका फॉर्मूला जरा। इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो आप सेट्स की लैंग्वेज में, ये है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अपने बनाओ, दो बनाओ इसके, दो बनाओ इसके फटाफट से। पहले ये वाला बना लो, फिर ये वाला बना लो, दो बना लो। यस, पूरा बी का सर्कल लेकर पूरा बी का सर्कल कवर करो और उस पूरे बी के सर्कल में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। और या फिर क्या कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन, राइट ए यूनियन बी लेकर उसमें से ए को माइनस कर सकते हो, है ना? दोनों एक ही बात होगी। देखो, अगर आप ये वाला लिख रहे हो तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, पूरा बी का सर्कल लिया मतलब बी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली और उसमें से इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर ली ऐसे। और या फिर आपने यूनियन की प्रोबेबिलिटी ले ली, यूनियन मतलब ये सारा ले लिया, ये प्लस ये प्लस ये, और उसमें से आपने ए वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया ऐसे। बिल्कुल, अभी चिंता मत करो, आप फॉर्मूले बनाने सीखो, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे आपको। दोनों आप दोनों याद रखो। अगर आप कह रहे हो हमें दोनों याद नहीं कर पाएंगे हम, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप फर्स्ट वाला याद करो अगर आप दोनों नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा हूं। दोबारा सुनो जितेश, हमें अगर सिर्फ ये वाला एरिया निकालना, ठीक है ना, इतना एरिया निकालना, तो हम इस वेन डायग्राम में क्या देख रहे हैं, हम कह रहे हैं काम करते हैं इतने एरिया के लिए पहले पूरा बी का सर्कल ले लेते हैं। पूरा बी का सर्कल ले लिया, देखो लिखा मैंने प्रोबेबिलिटी बी। क्या पूरा बी का सर्कल चाहिए हमें? नहीं चाहिए। उसमें से कौन सा माइनस कर दें? ये वाला हिस्सा फालतू ले लिया हमने, और ये हिस्सा कहलाता है ए और बी का इंटरसेक्शन, तो हमने उसको माइनस कर दिया। देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है। अच्छा, नेक्स्ट लिखो, ये ऊपर का रब कर देता हूं। हाँ, बोथ ए एंड बी, बोथ भी बोल देते हैं खाली, दोनों मतलब। अच्छा, अब आप ये बताओ इसको कैसे निकालेंगे और ये क्या कहलाएगा? ए बी, ये लिया, करेक्ट, यूनियन तो लिया ही नहीं, यूनियन ये था ना, दोनों शेड थे, यूनियन छोड़ के बाकी सारा ले लिया। ये क्या ले लिया हमने, इसका मतलब करेक्ट। इसको हम क्या रीड करेंगे? नीदर ए नॉर बी, इसको रीड करेंगे ना ए लिया और ना ही भाई बी लिया। और इसको रीड ऐसे भी कर सकते हैं, नॉट ए एंड नॉट बी। जब मैं आपको क्वेश्चन में बोलूंगा लैंग्वेज में नीदर ए नॉर बी की प्रोबेबिलिटी निकालो, आपके दिमाग में पिक्चर बनेगी एक, अच्छा वो ए और बी के यूनियन का बाहर का ही पूछ रहे हैं हमसे। या बोलूंगा नॉट ए एंड नॉट बी निकालो, तो भी आपके दिमाग में वही पिक्चर बननी चाहिए। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट नॉट ए हो गया, देखो नॉट ए यानी ए कॉम्प्लीमेंट, एंड बोलो क्या होता है, एंड इंटरसेक्शन, और ये नॉट बी, नॉट बी यानी बी कॉम्प्लीमेंट ये। और आप इसको क्या लिख सकते हो, ये यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है, ये यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है। अब बताओ निकलेगा कैसे, ये यूनिवर्सल में से यूनियन माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, यूनिवर्सल की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? सब कुछ होता है यूनिवर्सल में, सब कुछ होता है, वन होती है, क्योंकि जब सब कुछ उसमें होता है उसकी प्रॉबर्टी पूछोगे तो होना ही है वो तो सब कुछ। तो इसलिए जब आप ये वाली प्रॉबर्टी कैलकुलेट करोगे तो क्या करना है, वन में से माइनस करनी है आपको यूनियन की प्रोबेबिलिटी। किसको? श्योर इवेंट,
जिसकी प्रोबेबिलिटी वन होती है श्योर इवेंट. तो यूनिवर्सल इवेंट का होना एक श्योर इवेंट होता है. श्योर इवेंट ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी वन हो जाए तो वो श्योर इवेंट होता है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं होती है वो वॉइड इवेंट होता है. जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है. क्लियर है? बताओ. अच्छा मैं आपको ना अब एक वेन डायग्राम में मैं एक पोर्शन शेड करने जा रहा हूं, आप मुझे उस पोर्शन को निकालने का फॉर्मूला बना के दिखाएं. ठीक है, मैं आपके सामने एक वेन डायग्राम रखूंगा और आप मुझे उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला खुद बना के दिखाएंगे. वेन डायग्राम में आपको ड्रॉ करके दिखाएगा. ये मुझे आप इसका फॉर्मूला बना के बताओ क्या करूं. बड़ा आसान है. ओनली ए एंड ओनली बी. करेक्ट, दोनों लिए ना, ओनली ओनली बी. फॉर्मूला बताओ कैसे बने. करेक्ट, यूनियन ले लो भाई सीधा सीधा. यूनियन में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, तीनों आ जाएंगे. और फिर क्या करो उसमें से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो. तो अगर आपको ये वाली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो आपने इसका फॉर्मूला क्या बनाया कि यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालकर उसमें से इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो. बन गया देखो फॉर्मूला. नहीं, एक ही बार तो होगा क्योंकि यूनियन में एक ही बार तो आता है. यूनियन में क्या क्या होता है देखो. यूनियन में एक तो ये वाला एरिया होता है, एक ये वाला एरिया होता है और एक ये वाला एरिया होता है. ये एक ही बार होता है यूनियन. तभी तो हमने माइनस किया था फॉर्मूले में. देखो लास्ट में जाके माइनस किया ना, पहले हमने ए ले लिया, फिर हमने बी ले लिया, हमने देखा अब ये दो बार ऐड हो गया. यूनियन में तो एक ही बार होना चाहिए था, इसलिए हमने उसको एक माइनस कर दिया था वहां पे. यूनियन की नहीं है ये वन, ये यूनिवर्सल की प्रोबेबिलिटी वन है. यूनिवर्सल में सब कुछ होता है. अगर उसमें से किसी के होने के चांस पूछे जाएंगे, सब कुछ है उसके अंदर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी वन ही तो आएगी क्योंकि सब कुछ लिए बैठा है वो. तो सैंपल स्पेस ही वही है क्योंकि. यस, इसे बोलेंगे ओनली ए एंड ओनली बी. करेक्ट, स्टार्ट करें भाई क्वेश्चन. अब लिखो. अब जो मैं क्वेश्चन दूंगा, पहले मैं आपको इन्हीं फॉर्मुलेस के ऊपर जो एप्लीकेशंस बनी हुई है पहले वो करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लिखो. अ बास्केट कंटेन्स 20 एप्पल्स एंड 20 ऑरेंजेस. 20 एप्पल्स एंड 20 ऑरेंजेस. अ बास्केट कंटेन्स 20 एप्पल्स एंड 20 ऑरेंजेस. फुल स्टॉप. हाफ ऑफ द एप्पल्स एंड हाफ ऑफ द ऑरेंजेस. हाफ ऑफ द एप्पल्स एंड हाफ ऑफ द ऑरेंजेस आर रॉटन. मतलब आधे एप्पल और आधे जो संतरे हैं वो खराब हैं, पड़े हुए हैं वो. फुल स्टॉप. अ फ्रूट इज ड्रॉन फ्रॉम द बास्केट. अ फ्रूट इज ड्रॉन फ्रॉम द बास्केट. What is the probability that it is an apple or it is good. मैंने आपको क्या बोला? What is the probability that it is apple? और मैं और पे प्रेशर डाल रहा हूं बोलते वक्त. और से क्या पता चल रहा है आपको मालूम? यूनियन निकलना है. यूनियन किस किस का निकलना है? एप्पल का और यूनियन गुड फ्रूट का, इन दोनों का. आप बताओ कैसे निकले? आंसर बोलो. 1/4 चेक करें, देखते हैं. अब आपको देखो मैंने कैसे बताया, कैसे पता चला यूनियन. क्वेश्चन आपको रीड करके ध्यान से समझना है. इसमें लिखा हुआ है या तो एप्पल हो या गुड हो. तो यहां पे एप्पल और गुड का हमें क्या निकालना है? यूनियन निकालना है. शुरू करते हैं. सबसे पहले आप क्या करोगे, जब सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे
तो दो इवेंट खुद बनाओगे। जब एप्पल निकलेगा उसको हमने मान लिया इवेंट ई होगा, यहां पे लिख लो एप्पल इज गॉन। जब गुड फ्रूट निकलेगा उसको हमने दूसरा इवेंट मान लिया गुड फ्रूट इज गॉन, चाहे वो फ्रूट कोई सा भी हो, एप्पल हो या ऑरेंज हो, बस गुड होना चाहिए भाई। और जब एप्पल निकालेंगे तो एप्पल निकलना चाहिए, चाहे थोड़ा हुआ निकल जाए कोई बात। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी ई यूनियन एफ। सबसे पहले आप टीचर को पूरा फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला अगर लिखा हुआ होगा तो इसके मार्क्स अलग से मिलेंगे। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। हाँ, तो आंसर आंसर वन वन, मतलब कि पक्का आप जब उसमें से फल निकालोगे तो वो एप्पल आएगा या गुड फ्रूट ही आएगा, ये कंफर्म है। ऑरेंज आगे खड़ा हुआ तो देख रहे हैं ना, अभी देखो। चलो अब एक काम करो, पहले आप मुझे ई की प्रॉबर्टी बोलो। जब ई की पूछ रहा हूं तो फोकस ई पे रखना, एफ को मिक्स मत करना उसमें। एप्पल कितने ये बताए, 20 फेवरेबल है। अब ये मत सोचो गुड है या नहीं है, बस एप्पल निकालो। और डिवाइड में टोटल कितने हैं बास्केट में, 40, तो एप्पल निकलेगा इसके चांस है 20/40, ठीक है। प्लस अब आप मेरे को प्रोबेबिलिटी एफ बताओगे, एफ में गुड फ्रूट बताना चाहे कोई सा भी हो चलेगा। कैसे 20 में को काउंट करके बताओ, कैसे कैसे, राइट। 10 एप्पल से ही ले लो, 10 ऑरेंज से ही ले लो, कुल मिला के 20 फ्रूट ऐसे हैं जो अच्छे हैं, तो 20 में से कोई भी एक, 40 में से कोई भी एक। अब इसमें से माइनस करो इंटरसेक्शन, ध्यान से लेना। पता है इंटरसेक्शन में आपसे क्या पूछूंगा, ऐसे फ्रूट बताओ जो गुड भी हैं और एप्पल भी हैं, कॉमन है ऐसे, 10 है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 10/40। सिंप्लीफाई करना करना सिंप्लीफाई, 20 20 40 में से 10 गए, 30/40 प्रोबेबिलिटी आ रही है 3/4। आया समझ में, बोलो भाई आया समझ में। तो वन नहीं हो सकती प्रॉबर्टी, आप सोचो ना कि ये भी तो हो सकता होगा ना कि जब फ्रूट निकलेगा तो ऑरेंज निकला, फड़ा हुआ निकला, पता चला। तो इसलिए हमने प्रॉबर्टी कैलकुलेट की है। अब ये 3/4 यानी 75% चांस है आपका, अगर आप फ्रूट निकाल रहे हो उसमें से या तो एप्पल निकलेगा और या फिर वो अच्छा फ्रूट निकलेगा, इसके चांस 75%। सही में आया, एक्सप्लेन करना है, डायरेक्ट आंसर लिख के मत आना, मार्क्स नहीं मिलते हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। नहीं नहीं ऐसे ही छोड़ दो, वो तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ 75%। नहीं मर्जी है आपकी, मत शो करो, जरूरत नहीं है, जब शो करना हो तो देखेंगे उस वक्त। इसी तरह से इवेंट डिस्क्राइब करने हैं, फॉर्मूला शो करना है, वैल्यू पुट करनी है। अगला क्वेश्चन लिखो, ट्राई करो अगला क्वेश्चन। ये इनमें से कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं आपको, सब बाहर से लिखो। अ बॉक्स कंटेन्स 10 nuts and 20 bolts BOLTS, लगभग सेम क्वेश्चन है। अ बॉक्स कंटेन्स 10 nuts and 20 bolts, फुल स्टॉप। हाफ ऑफ द नट्स एंड हाफ ऑफ द बोल्ट्स आर रस्टेड, हाफ ऑफ द नट्स एंड हाफ ऑफ द बोल्ट्स आर रस्टेड, मतलब जंग लगे हुए हैं, फुल स्टॉप। टू आइटम्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, what is the probability that either both are nuts, what is the probability that either both are nuts or both are rusted? कैसे पता चलेगा एग्जाम में यूनियन निकालना है, जल्दी से बताओ। और से तो दो इवेंट बनाओ जल्दी से, इवेंट ई बनाओ। क्या लिखोगे इवेंट ई में, लैंग्वेज बोलो, इवेंट ई में बोथ आर नट्स और इवेंट एफ में लिख लो बोथ आर रस्टेड। इवेंट बना के डिस्क्राइब करोगे, उसके बाद फॉर्मूला लिखो, फिर आगे मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा। इवेंट आपको खुद बनाने है, ई में लिख लो बोथ आर बोल्ट्स सॉरी नट्स, तो जो पहला बोलता है उसको ई मान ले करो, जो दूसरी लाइन बोलता है उसको एफ मान लो। बोथ आर बोल्ट से नट्स थे, मैंने क्या बोला था,
बोथ आर नट्स, या फिर एफ इवेंट में बोथ आर रस्टेड। फॉर्मूला पर शो कर ही लेते हैं भाई, कोई यहां तक भी कर देना एग्जाम में तो भी मार्क्स मिल जाते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम में तो। चलो शुरू करते हैं, पहले हम निकालेंगे ई की प्रोबेबिलिटी, दोनों नट्स निकलेंगे, कितने नट्स हैं बॉक्स में, 10 में से 2 निकाल के बताओ। अच्छा मैं आपके सामने 10 नट बिछा दूं, अगर 10 नट निकालूं बॉक्स से आपके सामने बिछा दूं, छोटे बड़े अलग अलग साइज के रखे सामने, समझो आप सामने, और मैं कहता हूं उसमें से 2 चूज करो, कितने तरीके हैं चूज करने के याद करके बताओ। 10 मैंने आपके सामने फैला दी और मैंने कहा 2 चूज कर लो जो आपको चूज करने हैं, कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हो, हिंट दे रहा हूं आपको, चूज करो सिलेक्शन करो, चूज करो सिलेक्शन करो, याद करो। नहीं नहीं, चूज करो सिलेक्शन करो, नहीं, एक टॉपिक याद करवा रहा हूं आपको, याद करके बताओ। कॉम्बिनेशन, 10 में से अगर मैं आपको कह रहा हूं 2 नट्स चूज करो, तो आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने सिलेक्शन है, तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी देखो 10 नहीं आएगी, अब आएगा 10C2, कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होगा। कब होता है कॉम्बिनेशन इस्तेमाल, जब आइटम एक से ज्यादा निकालनी होती। अच्छा अब आप एक काम करो, टोटल बॉक्स में से 2 चूज करके बताओ, पूरे बॉक्स में से, पूरे बॉक्स में कितने आइटम है, सारे प्लस कर लो ना, 30 है, तो 30 में से 2 चूज किए, ये प्रोबेबिलिटी आप देखो इस तरह से कैलकुलेट होगी। तो यहां पर क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन आना स्टार्ट हो चुका है। तो जब भी आप ध्यान रखेंगे, जब 2 चीज निकालनी है, 3 निकालनी है, 4 निकालनी है, निकालो, लेकिन कॉम्बिनेशन की हेल्प से निकालो, और टोटल 30 में से 2 निकाले। चलो अब आप बोलो एफ की प्रोबेबिलिटी, दोनों आइटम जंग लगी हुई निकालनी है, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कैसे होती है, ये तो है आपके फेवरेबल इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स हैं, ये तो ये इवेंट ई के फेवरेबल है, 10 में से 2 नट्स का निकलना। प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल सैंपल स्पेस चाहिए नीचे, और वो क्या होगा, 30 में से कोई से भी 2 आइटम निकल रहे। अब मेरे को रस्टेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, चलो करेक्ट, 15 आइटम बॉक्स में रस्टेड हैं, 15 कैसे, 5 तो आपके नट्स रस्टेड हैं और 10 आपके बोल्ट रस्टेड हैं, तो 15 आइटम रस्टेड हो गई, 15 में से 2 आपने निकाल दी, अपॉन में क्या लिखना है बोलो, 30C2। चलो अब मेरे को बताना ध्यान से सोच समझ के, इंटरसेक्शन बोलो, ऐसे आइटम ढूंढो नट्स भी हो और जंग लगे हुए भी हो, हाँ रस्टेड नट्स, 5 5 25, ध्यान से सोच के जवाब दो, ऐसे नट्स ढूंढो जो रस्टेड पड़े हैं बॉक्स में, 5 ही तो हैं, आधे तो हैं, तो 5C2 अपॉन 30C2, इतना क्लियर। अब इन सबका एलसीएम एक ही ले ले, क्योंकि 30C2 को वरना बार बार सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आ गया आपका 30C2 एक कॉमन एलसीएम, राइट, यहां पर आ गया 10C2 प्लस 15C2 माइनस 5C2। अब मैं आपको इनकी वैल्यू निकालना एक बार याद करवा देता हूं, 10C2 की वैल्यू कैसे निकालनी है, रफ पेपर लो, ये रफ पेपर है मान लो, 10C2 कैसे निकलता है, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 10 को 2 बार, मैं 2 बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पे 2 रीड कर रहा हूं, इसलिए मैं 2 बार बोल रहा हूं, 2 बार ऐसे नहीं 10 × 10, 2 बार ऐसे 10 × 9, 2 बार, और डिवाइड में फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 बोलो, 2 × 1 यानी 2, कितनी वैल्यू आई इसकी, 45। अब मेरे को 15C2 की वैल्यू बोलो, 15 × 14 अपॉन 2 × 1, 105 हो गई। अब मेरे को 5C2 की वैल्यू बताओ, 5 × 4 डिवाइडेड बाय, और 30C2 की खुद ही निकाल लो अपने आप, यस, अगर जैसे 8C3 है तो 8 × 7 × 6, 3 बार, अभी और आएंगे क्वेश्चन, अभी और आएंगे भाई, सॉल्व करके बताओ आपको आंसर, 30C2 कितना आ रहा है, 30C2 ये निकालो ना अलग से अपने आप, 435 आ रहा है, ठीक है, तो सारी वैल्यू पुट करके आंसर बोलो,
तो थोड़ा फाइव से काट लो और क्या, नहीं काटेंगे तो भी चलता है वैसे, अगर आप फाइव से नहीं काट रहे हो तो भी चलेगा। 28/87 आंसर हो गया, देख लो भाई आप सॉल्व अपने आप कर लो। मेरा काम था कॉन्सेप्ट समझाना, कॉन्सेप्ट यही है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन के साथ साथ यूनियन भी यूज किया जा रहा है। हाँ प्रोबेबिलिटी में यूज होगा भाई, सॉल्व करके देख लो भैया। 10 सीट तो हमने निकाला था 45, ये निकाला था हमने 105, ये निकाला था हमने 10, और ये आपका आया होगा 30 × 19 ये 285 आ रहा है ना, सॉरी मैंने 19 लिख दिया। ये आ रहा है 435, सॉल्व कर लो, ये 150 हो गए, 150 में से 10 गए, 140/435 ये आंसर हो गया। 500 और डिवाइड कर लो, हाँ तो कर लेते डिवाइड, आंसर हो गया 28/87। क्लियर है क्वेश्चन, फिर ट्राई करो आप। कॉम्बिनेशन कह दूंगा अभी, 2 integers आर सेलेक्टेड, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 2 integers आर सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 10 integers, फ्रॉम फर्स्ट पॉजिटिव 10 integers, सॉरी फ्रॉम फर्स्ट पॉजिटिव 10 integers, मतलब 1 से लेकर 10 तक हो गए, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट पॉजिटिव 10 integers, शुरू के जो 10 पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ना 1 से लेकर 10 तक, उसमें से आपको 2 इंटीजर सेलेक्ट करने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इधर बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड, इधर बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड, निकालो जल्दी। एक इवन टी बनाओ जल्दी से, बोथ आर इवन लिखो उसमें, एक एफ बनाओ, बोथ आर ऑड लिखो, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो। हाँ यूनियन हो गया, देखो अब तो भाई यूनियन हो गया, अब तो सीधा सीधा, हाँ मार्क्स मिलते हैं। देखो अगर मान लो आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाए तो फॉर्मूले के मार्क्स मिल जाते हैं, नहीं मिलेंगे मार्क्स ऐसा कुछ नहीं, फॉर्मूले प्लस पॉइंट होता है ना आपके लिए, मान लो कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई तो। इवन कितने हैं 1 से लेकर 10 तक, तो 5C2 ले लेना अपॉन 10C2, फिर प्लस एफ बताओ, 5C2/10C2, ठीक है। अब माइनस में आ जाओ जरा, आप बताओ, बिल्कुल, क्योंकि ये इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें कोई कॉमन आउटकम नहीं आ रहा है, तो बताओ ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं, याद करके बताओ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, कि ए सेट में और बी सेट में कुछ कॉमन नहीं ढूंढ पा रहे हम लोग, तो ऐसे इवेंट्स होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो आपका जो इसमें इंटरसेक्शन वाली प्रॉबर्टी है ये वाली लास्ट वाली, ये आपकी 0 लिख दी जाएगी सीधा। आंसर क्या रहा है, 4/9
आप ऐसा इंटीजर ढूंढ रहे हो जो ऑड भी हो और इवन भी हो, होगा कोई ऐसा इंटीजर? सोचो, नहीं होगा ना, तो इंटरसेक्शन जीरो हो गया, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ये आ रही होगी। देखो पहले आपने इवन की ले ली 5c2/10c2, फिर आपने ऑड की ले ली 5c2/10c2, फिर आपने ढूंढा ऐसा कोई इंटीजर जो दोनों हो, होगा ही नहीं, जीरो हो गई प्रोबेबिलिटी। एक को सॉल्व करके डबल कर लेना, 20/90, ये वाला कर रहा हूं मैं सॉल्व, 20/90 यानी 2/9, 2/9, आंसर 4/9 आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, भाई जैसे सबको क्लियर हो गया, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर हो गया? यस सर। ओके ट्राई करो, टू कार्ड्स आर ड्रॉन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स का एक पूरा पैक है, उसमें से आपको दो कार्ड निकालने हैं। What is the probability that either both are red, either both are red or both are kings? Either both are red or both are kings. तो भाई एक को इवेंट ई मान लो, एक को इवेंट एफ मान लो और शुरू हो जाओ। Both are red or both are kings. चार होते हैं, रेड 26 होते हैं, आधे रेड होते हैं आधे ब्लैक होते हैं, दो होते हैं रेड के, क्योंकि चार होते हैं ना, तो दो रेड को कैलकुलेट करो, जल्दी करो। किंग वैसे चार होते हैं टोटल, टोटल किंग चार होते हैं, बाकी आप देख लो, आंसर पूरा निकाल के बताना है। हुआ भाई जल्दी बताओ भाई, टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? कॉम्बिनेशन में आंसर आ गया, कॉम्बिनेशन सॉल्व करने से पहले चेक कर लो, बोथ आर रेड की प्रोबेबिलिटी आपने लिखी होगी, चेक करो सब लोग, 26c2/52c2, 26 रेड होते हैं टोटल 52 में से दो निकल रहे हैं, किंग की आपने लिखी होगी 4c2/52c2 माइनस, अब यहाँ पे आपका आया होगा इंटरसेक्शन, बिल्कुल रेड भी हो और किंग भी हो, ऐसे दो कार्ड होते हैं रेड किंग जो होते हैं, तो चार में से कोई से भी दो, नहीं दो सी दो, सॉरी दो में से दो, एंड डिवाइडेड बाय 52c2, वही करना, एक एलसीएम ले लेना, सबकी वैल्यू रफ में निकाल के वैल्यू पुट कर देना। आंसर मैं बताता हूँ, सॉल्व है मेरे पास, तो ये आंसर आ रहा है 55/221। चलो बिना सॉल्व के बता दो, 330/3 से काट लो इसको, ठीक आ रहा है वैसे, यही आ रहा है, ऊपर कितना आ रहा है, 330 आ रहा है, ये कह रहे हो ना आंसर, 330 तीन से काटें तो 110, 442
दो से काटते हैं तो 55 और 2 से, ठीक आ रहा है आपका आंसर, यही आ रहा है, ठीक आ रहा है। मत काटो, कोई जरूरी नहीं होता, सिंप्लीफाई करना जरूरी नहीं होता। जब हम देखो सिलेक्शन परमुटेशन की कॉम्बिनेशन कर रहे हैं अभी, जब हम कोई चीज सिलेक्ट करते हैं किसी भी चीज के ग्रुप में से, ताश के पत्तों में से कार्ड निकाल रहे हैं, बैग में से बॉल निकाल रहे हैं, और आपने देखा हम एक से ज्यादा निकाल रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन लगाओ। एक ही निकाल रहे हैं मत लगाओ कॉम्बिनेशन। अगर मैं आपको कहता एक कार्ड निकालना है तो मैं 26 नहीं लिखवाता आपसे, मैं क्या लिखवाता, 26/52। क्लास 10 का क्वेश्चन बन जाता फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, क्लियर हुए 3 क्वेश्चन, अभी और करो, अभी छोड़ नहीं सकते इसको। अब आते हैं एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। ये तो मैंने आपको तीनों एनसीईआरटी से बाहर करवाए। लिखो, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का ये, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 30 opted for NCC. Opted for NCC. 32 opted for NSS. NCC तो वो होता है शायद, नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है। स्कूल में पहले दिया जाता तो बंद कर दिया एनसीसी। बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है, उसमें पूरी आर्मी की ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों को, बहुत बढ़िया होती है, बहुत मजा आता था बच्चों को। 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस एंड 24 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस। एनएसएस वैसे वो था सेवक संघ करके, कोई पहले होता था ग्रुप, उसको ज्वाइन करते थे बच्चे, मैं नाम भूल गया इसका। एनसीसी क्या था स्कूल लाइफ में, 24 opted for both NCC and NSS. ठीक है, ये डेटा मिल गया आपको। एक क्लास में 60 बच्चे हैं, जिसमें से 30 बच्चों ने तो NCC लिया हुआ है, 32 ने NSS, और कुछ ऐसे बच्चे हैं 24 जिन्होंने दोनों चीजें ली हुई है। अब क्वेश्चन लिखो, वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक बच्चे को चुन लिया हमने क्लास में से, वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, one student is selected at random, find the probability that, number one, teen part hai isme, the student opted for, jo aapne bachcha chuna hai, jo student aapne liya hai, student opted for NCC or NSS or, samajh gaye, or yani, देखो यूनियन पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। सेकंड पार्ट लिखो, सेकंड पार्ट, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नीदर एनसीसी नॉर एनएसएस, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट, नीदर एनसीसी नॉर एनएसएस। थर्ड पार्ट, तीन पार्ट है इसमें, थर्ड पार्ट, स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस but not NCC. A but not B याद करो, B but not A, इस तरह से वो आप देखोगे, मर्जी है ब्रांड। अगर आपको लगता है मुझे जरूरत है तो बनाओ, मत बनाओ। सबसे पहले तो दो इवेंट डिस्क्राइब करो, स्टार्ट करो जल्दी से। एक इवेंट E ले लो, क्या लिखोगे इवेंट E में, यस स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर NCC। एक इवेंट F लिख लो, स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर NSS। अब शुरू हो जाओ, पहले पार्ट में देख लो एनसीसी और NSS। एनसीसी को आपने E माना है, NSS को आपने F माना है, और बीच में यूनियन है, तो आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट में E यूनियन F की प्रोबेबिलिटी। नहीं, इवेंट तो दो ही रहेंगे ना, एनसीसी NSS, और तो कोई तीसरा ही नहीं इवेंट इसमें, दो ही चीजें हो रही है क्लास में, या तो बच्चा एनसीसी ले रहा है या NSS ले रहा है। ट्राई करो भी जल्दी से, एनसीईआरटी का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीसी या एनएसएस। नाइनटीन बाय 30 पहले पार्ट का, रुको करेक्ट आंसर आ रहा है जी,
पहले पार्ट का आंसर आ रहा है 19/30, यही निकालो ना यूनियन, और इसमें तो कॉम्बिनेशन भी नहीं लगाना, सीधा सीधा वही निकालना है, एनसीसी और एनएसएस। आपको पहले पार्ट में, अब तो आपको सीधा लिखना है ई यूनियन एफ निकालना है, ई आपने ऊपर बता ही दिया क्या है, ई की प्रोबेबिलिटी, एफ की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी माइनस। अच्छा ये एनसीसी कितने बच्चों के पास है, तो 30 आपके बच्चे फेवरेबल हो गए, टोटल क्लास में 60 बच्चे हैं, तो अपॉन 60 है। यहां देखो कॉम्बिनेशन नहीं लगाया क्योंकि एक ही बच्चा तो लिया है हमने क्लास में से, और यहाँ यस ये आंसर आ रहा है, यहाँ 32/60 और यहाँ 24/60, 62 में से 24 माइनस कर लो, 38/60 आंसर हो गया 19/30, पहले पार्ट का आंसर हो गया। एक स्टूडेंट ले रहे हैं तो मत लगाओ कॉम्बिनेशन, कोई भी एक बच्चा 30 में से हो सकता है एनसीसी वाला, तो एक्चुअली कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे भी लगा हुआ है लेकिन नजर नहीं आ रहा आपको, वो कैसे लगा हुआ है, वो ऐसे लगा हुआ है 30C1/60C1। अब 30C1 हम लिखने की जरूरत नहीं समझते क्योंकि 30C1 30 होता है, तो जब एक चीज चूज करते हैं हम, तो हम कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं शो करते। अच्छा अब आप मेरे को सेकंड बता दो, नीदर एनसीसी नॉर एनएसएस, इसको सिंबल्स में क्या लिखना है? राइट, ये नीदर का मैंने समझाया था, मतलब देखो नीदर एनसीसी यानी एनसीसी का कॉम्प्लीमेंट, नॉर एनएसएस एंड एनएसएस का भी कॉम्प्लीमेंट, ये लिखवाया था मैंने आपको, देखो अभी तो फॉर्मूले काम आएंगे इस तरह से, ये नीदर एनसीसी नॉर एनएसएस, इसको निकालने के लिए हमको लिखना होगा 1 माइनस यूनियन का वैल्यू। हाँ एक ही बात है, ऐसे लिख लो चाहे कॉम्प्लीमेंट लिख लो यूनियन का, अब ये निकाल तो चुके ही हो आप फर्स्ट पार्ट में, तो 1 में से माइनस करो आंसर आ गया 11/30। तीसरा पार्ट खुद करो, मुझे बताओ क्या निकाल, ध्यान से रीड करो, थर्ड का क्या दोबारा बोलो, नहीं चेक करो, ध्यान से करो थर्ड पार्ट को रीड करो और बताओ ई और एफ में कहां पे लगेगा कॉम्प्लीमेंट, ध्यान से रीड करो, बच्चे ने एनएसएस लिया है लेकिन एनसीसी नहीं लिया है, एनएसएस लिया है एनसीसी नहीं लिया है, एनएसएस आपका एफ है, एनसीसी आपका ई है, एफ लिया है एंड ई नहीं लिया है। ये देखो ना एनएसएस को आपने अपनी लैंग्वेज में एफ ही तो माना हुआ है और एनसीसी को ई माना हुआ है आपने, तो ई पे तो कॉम्प्लीमेंट लगेगा क्योंकि ये तो लिया ही नहीं है, एंड एनएसएस लिया है एनएसएस आपका एफ है। हाँ बस अब इसका फॉर्मूला आपको या तो याद करो या वेन डायग्राम बना लो। देखो अगर हम वेन डायग्राम बनाए तो मान लो ऐसे बनाते हैं वेन डायग्राम, देखो इस वाले पार्ट के लिए ये हमारे मान लो ई और एफ हो गए, इसमें कौन सा हिस्सा निकालना है जो एफ में आ रहा है लेकिन ई में नहीं आना चाहिए, ई का कॉम्प्लीमेंट है, ये निकालना है आपको। आप देख लो कैसे निकालोगे, आपके पास सब कुछ है, कुछ भी निकाल सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो एफ की प्रोबेबिलिटी लेकर उसमें से क्या माइनस कर सकते हो, इंटरसेक्शन माइनस कर सकते हो, या आप यूनियन की प्रोबेबिलिटी लेकर उसमें से ई माइनस कर सकते हो, चॉइस आपकी है, बोलो क्या करना है। नहीं क्या गलत क्यों कर रहे हो भाई, अच्छा क्या कर रहे हो मुझे बताओ, फॉर्मूला बोलो क्या लगा रहे हो, करेक्ट। अब मुझे एफ की प्रोबेबिलिटी बोलो, कितने बच्चों के पास एनएसएस है, 32/60, और ये इंटरसेक्शन में कितने बच्चे हैं, 24 बच्चे हैं, 8/24/60, तो ये 8/60 तो बचा, ये तो आएगा 32/60 एफ हो गया, उसमें से इंटरसेक्शन माइनस हो गया, 4 से काट लो ना सीधा, 2/15 हो गया आंसर, 4 से काट दो इसको, सेम आया, फॉर्मूले का यूज कैसे हो रहा है, रब कर दूं, अब ये बस ये वाला रब किया है, क्वेश्चन क्वेश्चन एक और करके दिखाओ जरा, चलो
चलो लास्ट कर तो लो, लेकिन अब ये क्लास और चलेगी भी, प्रोबेबिलिटी बता दूंगा डिसाइड नहीं हुई फाइनली। हाँ अरे भाई वैसे लेट स्टार्ट हुई थी, 12th वाले बच्चे लगे रहे आज, ये वाला करके दिखाओ चलो, लास्ट क्वेश्चन है करके दिखाओ, परसों मतलब परसों मतलब एक क्लास और करना है इसको अभी। कहाँ गया क्वेश्चन, लिखे क्वेश्चन भाई, प्रोबेबिलिटी ए 0.4, मतलब इसमें आपको इवेंट खुद नहीं बनाने हैं, कोई इवेंट है बना बनाया है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है। प्रोबेबिलिटी बी 0.5, दो इवेंट है दोनों की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है, और एक इंफॉर्मेशन यहां लिखी हुई है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब आप देखना क्या मतलब है इसका, ठीक है? आप मुझे ये चार पार्ट की प्रोबेबिलिटी बता दो सीधा सीधा। नंबर वन प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, नंबर टू प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, थ्री प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, फोर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मुझे चार आंसर बता दो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, 0.5 ईच पार्ट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन में कुछ आ ही नहीं रहा है, नल सेट है। अब करो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस क्वेश्चन दिया है, इवेंट्स नहीं बनाने आपको। पहले पार्ट का आंसर करेक्ट आंसर, सेकंड का 0.1 करेक्ट करेक्ट, ये भी करेक्ट। सिर्फ फॉर्मूले थोड़े से याद होने चाहिए, बाकी तो वैल्यू पुट करनी है जल्दी जल्दी। हाँ इसमें 1 माइनस यूनियन होगा भाई, इसका क्या होता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होता है, यूज कर रहे हो, 2-3 क्वेश्चन यूज कर चुके हो। ये 0.4, ये 0.5 और ये वाली प्रोबेबिलिटी ये 0। क्वेश्चन में कैसे पता चला, ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स लिखे हुए, इसलिए 0। तो आंसर हो गया आपका सीधा सीधा 0.5 और 0.4 का सम, आप इसको लिख दो सीधा 0.4 और 0.5 इट दैट मींस 0.9। ये बता दो इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस यूनियन, ये वैसे होता है नीदर ए नॉर बी, तो ये होता है 1 माइनस यूनियन, तो 1 माइनस 0.9 कर देना। ये बता दो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है, ए पे कॉम्प्लीमेंट है तो बी में से नहीं इंटरसेक्शन निकलेगा, वेन डायग्राम बना लो, नहीं तो वो तो फिर यूनियन में से पूरा ए माइनस कर दो, जो तो दोनों है, ये ज्यादा आसान है क्योंकि इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी 0 है, सीधा सीधा बी आंसर हो गया। इसका फॉर्मूला बताना, इसका फॉर्मूला भाई चार ही के फॉर्मूले याद कर लो इन्हें, ये लो बस, ये 0.4 ये 0, ये 0.5 ये 0, ये 1 माइनस 0.9 और ये आपका आ गया 0.9, खत्म क्वेश्चन। सेकंड का ये रहा, यहां बनाए तो ये रहा, ये ए है और ये बी है, ए और बी दोनों में किसी को नहीं लेना तो बाहर का ले लो, किसी को लेना तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। इसको हम बोलते हैं ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसको ऐसे भी बोलते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों एक ही बात है। क्लियर हुआ,
एक क्लास अभी और किसका 11.5, क्योंकि 0.5 में से 0 माइनस करना है आप भाई, इंटरसेक्शन तो 0 ही है ना, तो इस क्वेश्चन में तो भाई सर क्लियर हो गया सबको? आद्या, अर्णव, आशुतोष, गणेश, क्रिश सर, एक क्लास अभी और चलाएंगे इसको, करेक्ट, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। बस आपका क्लास बचा है 3D ज्योमेट्री, उसके बाद रिवीजन। ओके जी।